हेलो रिवान, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर, और आप बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और रात के बज रहे हैं 12, और 12 बजे हम ऊपर से आए हैं नीचे। नीचे हम कुछ दिखाने के लिए आए हैं। नीचे हमारा किला है ब्रह्म कमल का फूल, तो हम उसी की पूजा करने के लिए आए हैं। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था, रश्मि भी शाम को आई थी, सारे बच्चे आए थे तो चले गए। मैं अचानक देखने लगी नीचे पेड़ पर, तो देखा क्या वो फूल खिलने वाला था। पूरे 12 बजे ये फूल खिलता है, पूरे बजे 12 बजे ना फूल एकदम अपने उसमें आता है, ये पूरा खिलता है। मतलब 9 बजे से शुरू हो जाता है खिलना 10 बजे तक। अभी जब रश्मि गई थी तो थोड़ा सा ना बंद ही था फूल, और बाद में ये बोल रहे थे चाची को बुला, चाची में 12 बजे सोगी होगी, पर दूसरी कली है जो खिलने वाली है, जब उसको बुलाऊँगी मैं। और अभी मैं पूजा करती हूँ अपने फूल की, और आपको भी दिखाऊंगी अपना फूल। अंधेरा सा हो रहा है, बल्ब तो लगा दिया लेकिन थोड़ा सा ना अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। पूरे 12 बज रहे हैं रात के, तो मैं पूजा करती हूँ फूल की और आपको भी दिखाती हूँ। कहते हैं बहुत ही भाग्यशाली होते हैं जो इसके दर्शन करते हैं, पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं इसके बारे में। और एक साल में एक बार एक ही फूल खिलता है, लेकिन मेरे यहाँ तो पिछले साल तो 8-10 फूल खिले थे, और अब की बार एक कली आ रही है और एक फूल खिल रहा है। तो फूल खिल चुका है, आप देखिए, आप भी फूल दिखाते हैं आपको भी। ब्रह्म कमल का फूल है, नीचे लगाना पड़ेगा ना, ये गमला रख ले यहाँ पर, इसमें धूप बत्ती लगा दूंगी। हेलो, देखियो कितना खूबसूरत फूल होता है ये, और सुबह को मुरझा जाता है। बहुत ही प्यारा फूल है, ये देखो कितना प्यारा फूल है। एक साल में एक बार फूल खिलता है ये, और बस देख रही थी एक एक ही कली आ रही है। देखो ये इसे लगेंगे 4-5 दिन लग जाएंगे ना। ये 4-5 दिन लग जाएंगे। खूबसूरत फूल है, पिछली बार तो इतने सारे फूल खिले थे। ये मैं बैठी रही थी किराएदार के नीचे, और मैं रात भर बैठी रही थी इसको देखती रही थी, और सुबह को ना ये मुरझा जाएगा बिल्कुल। बस रात रात में खिलता है 12 बजे, और ये फूल है ना, मन करता है मैं देखती रहूँ इसको। और ये ब्रह्म कमल मेरे पिछले साल खिले थे, और बहुत सारे खिले थे, 8-10 खिले थे, और मैं इतनी खुश हो गई थी बहुत ज़्यादा, मेरी जान है ये फूल, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में, और एक पराठा बनाती हूँ अपने लिए आलू का। और बारिश आ गई है बहुत तेज, अच्छा है, बहुत गर्मी हो रही। बना देते हैं काम, I'm not afraid to die।
बनकर हो गया तैयार। और दही तो आ जाइए, आप भी खा लीजिए दही पराठा। हेलो जी, मैं आई किचन में और किचन में खाना बनाने नहीं आई, सब्जियां धोने के लिए आई। और ये लक्की लाया था सब्जियां, ये खीरा है, लौकी है, तोरी है, टमाटर, भिंडी, अदरक, नींबू, हरी मिर्च, ये सब मैं धोकर रखती हूँ। धोकर रखती हूँ। देंगे धोई हुई सब्जियों को, और जब निकाल लो, काटो, बनाओ। और अब मैं आ गई हूँ प्रेस करने के लिए, और यहाँ पर मैं प्रेस कर रही हूँ। और एक बीच बीच में मेरा वो भी हो गया था, प्रेस ख़राब हो गई थी और बहुत ज़्यादा चिंगारी से उठ गई थी लास्ट टाइम में, मतलब आधे कपड़ों भी प्रेस कर पाई थी तो इतनी चिंगारियाँ उठी थी, चिंगारी में डर गई थी। अब मुझे आधे कपड़ों बाद में भी करनी पड़ेगी प्रेस। आधे अधूरे कपड़ों पर, क्योंकि बीच में प्रेस खराब हो गई है और बहुत चिंगारियाँ सी उड़ी बहुत जोर से, मैं तो डर गई थी। चिंगारियाँ और प्रेस हो गई है ख़राब, अब दूसरी प्रेस निकाल लेंगे, उससे देखते हैं। अभी तो काफ़ी सारे कपड़े पड़े हैं तो फिलहाल इतने पे ही रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद करते हैं। बहुत डर लगा मुझे, चिंगारी छूटी बहुत ज़्यादा। चलिए थोड़ी देर में प्रेस करते हैं। तो चलिए फिर लेते हैं आपसे इजाज़त और कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए मेरी वीडियो कैसी लग रही है।
तो चलिए कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।